यह नज़ारा संडे का है, आप देख सकते हैं कितना भीड़ है, क्योंकि हर संडे को अमिताभ बच्चन जी निकलते हैं और यहां पर अपने ऑडियंस से मिलते हैं। ये देख सकते हैं कितना भीड़ है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू मानी ब्लॉग, आप लोग का हमारे नए वीडियो में स्वागत है। आज हमें ये वीडियो बनाया हूँ नए ऑडियंस के लिए जो मुंबई नहीं घूमे हैं, वो जुहू चौपाटी जाना चाहते हैं और अमिताभ बच्चन जी के बंगले पे। तो मैं डिटेल इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, उस रास्ते को दिखाऊंगा जो बहुत ही सरल और इजी है, आपको भटकना नहीं पड़ेगा। अगर आप हमारे वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको इस वीडियो के माध्यम से ही अब अमिताभ बच्चन जी के बंगले पर और जुहू चौपाटी पर जा सकते हैं, बिना किसी के रास्ते पूछे हुए, किसी से भी रास्ता पूछे बिना आप पहुँच सकते हैं। तो चलते हैं हम रास्ते की तरफ। ये है, देख लीजिए, पार्ला रेलवे स्टेशन। अब यहाँ से हम निकल रहे हैं, ये लिफ्ट वाले सीढ़ी से हम लोग ऊपर जा रहे हैं और ये वेस्ट साइड में जा रहे हैं। ये देखिए, अब ऊपर चढ़ के हम लोग यहाँ से चलेंगे, ये पब्लिक ब्रिज है। इस पब्लिक ब्रिज से आप उतरिएगा मत, सीधे चले जाइएगा, अगर आप उतरेंगे तो भटक जाएंगे। ये सीधे जाइएगा और लास्ट तक जाइएगा जहाँ तक ये पब्लिक ब्रिज जा रहा है। और देख सकते हैं कि इस पब्लिक ब्रिज पर कितना भीड़ है, बहुत सारे लोग यहाँ पर जाते हैं इसी ब्रिज से। और डायरेक्ट ये पब्लिक ब्रिज जहाँ पर उतरेगी वहीं पर एक सर्कल है, सर्कल से लेफ्ट साइड निकल जाना है। लेफ्ट साइड में हाईवे है गया हुआ है जो मेट्रो ब्रिज बना हुआ है, अभी बन रहा है फिलहाल। उसी ब्रिज के रास्ते आपको सीधे चले जाना है और वही सीधे हाईवे रास्ता जो है वही चला जाता है अमिताभ बच्चन जी के बंगले के पास और उनके जुहू चौपाटी वाले रास्ते पे चला जाता है। तो अमिताभ बच्चन जी का बंगला पहले पड़ जाता है, उसी रास्ते आप सीधे चले जाएंगे तो वह रास्ता सीधे चौपाटी पर चला जाएगा जो जुहू में है। और आपको एकदम सरल और ईजी रास्ता है, आपको भटकना नहीं पड़ेगा। इस वीडियो में आप बने रहेंगे तो आपको थोड़ा भी भटकना नहीं पड़ेगा। जो नए लोग आते हैं मुंबई घूमने तो उन्हें पता नहीं रहता है कि कहां पर चौपाटी है, कहां पर अमिताभ बच्चन जी का बंगला है। तो इसी वीडियो के माध्यम से आप चले जाएंगे। तो देखिए, ये अब पब्लिक ब्रिज समाप्त हो रहा है, यहीं से देखिए हम सीढ़ी से उतर रहे हैं। वो देखिए सर्कल वहाँ पर है जो टीने का लगा हुआ है बाउंड्री, उस बाउंड्री ख़त्म हो रहा है, वहीं पर सर्कल है। देखिए वो एम्बुलेंस जहाँ खड़ा हुआ है वहीं से आप लेफ्ट साइड मुड़ेंगे तो वही रास्ता सीधे आपको अमिताभ बच्चन जी के बंगले के पास लेकर जाएगा। और इस वीडियो में आप बने रहिए, मैं अभी सारा रास्ता दिखाते चलूँगा। यह नहीं है कि अभी मैं बंद कर दूँगा, सीधा पूरा रास्ता आपको दिखाते चलूँगा और उनके बंगले के पास तक वहाँ तक रास्ता दिखाऊँगा और फिर चौपाटी पर भी दिखाऊँगा कि चौपाटी पर रास्ता कहाँ पर। देखिए ये हम नीचे उतर गए हैं पब्लिक ब्रिज से और ये देखिए ये सर्कल है, आगे आपको दिखा रहे हैं सर्कल। ये देखिए ये सर्कल पे हम लोग मुड़ गए हैं और यही रास्ता देखिए, ये मेट्रो ब्रिज बन रहा है, अभी निर्माण पे है, ये निर्माण हो रहा है और यही रास्ता सीधे आपको चौपाटी की तरफ चली जाएगी। देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी एक्टर्स और बड़े बड़े बिजनेसमैन का यहाँ पर बंगला है। यहाँ पर थोड़ी दूर पर यहाँ पर सांता क्रूज में हवाई अड्डा भी है, जिससे यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तो नहीं बन पाती हैं लेकिन बंगला वीआईपी एरिया है। देखिए ये मेट्रो का रास्ता है, ये अभी मेट्रो बन रहा है और यही सीधे ही रास्ता चला जाएगा आपको जुहू चौपाटी के पास। और यहाँ पर हम और हमारे चाचा का लड़का साथ में आए हैं, हम लोग जा रहे हैं, पूरे रास्ते को दिखाऊँगा यहाँ से। यह देखिए मेट्रो का रास्ता यहाँ से मुड़ गया है दूसरी तरफ, देखिए वह राइट साइड मुड़ गया है उधर, लेकिन आपको राइट साइड नहीं जाना है, आपको इस जो कांच वाला ऑफिस दिखाई दे रहा है इसे सीधे चले जाना है, कहीं भी मुड़ना नहीं है, आपको सीधे चले जाना है। और सीधे जाएंगे तो ही आगे जा चल कर आपको वहाँ पर मिलेगा उनका बंगला, देख लीजिए कांच वाला बंगला है। और थोड़ी दूर और रह गया है स्टेशन से, ज़्यादा दूर नहीं, लगभग 2 किलोमीटर के दूरी पर अमिताभ बच्चन जी का बंगला है जो बहुत ही खूबसूरत है। और इस समय तो बारिश का मौसम है तो यहाँ पर उनके बंगले को मैं देखा था, वो पॉलिथीन से ढका हुआ है, अब चल रहे हैं देख रहे हैं कि क्या हाल है।
ये देखिए ये बोर्ड लगा हुआ है जुहू का, जो सीधे या पैसे सीधे चले जाएंगे, आगे चले जाएंगे तो यहाँ पर चौक आपको मिलेगा। ये चौपाटी का जो बोर्ड लगा हुआ है, और देखिए बस थोड़े ही दूर आओ अमिताभ बच्चन जी का बंगला देखिए, अब ये दिखाई दे रहा है उनका बंगला। थोड़े इस बगल में देखिए ये पार्क भी है, जो बाएं साइड ये लिखा हुआ है आई लव यू मुंबई, देख लीजिए आप, ये सब ध्यान लगाते हुए चलिएगा। ये देखिए आई लव यू मुंबई लिखा हुआ है, अब बस इसी के जस्ट आगे ही अमिताभ बच्चन जी का बंगला है, अब दिखा रहे हैं आपको, बस राइट साइड में उनका बंगला है। ये पार्क लेफ्ट साइड में है लेकिन उनका बंगला जो है राइट साइड में है, और ये देखिए ये रास्ता एक उधर से आया हुआ है, अंधेरी की तरफ से वो रास्ता हुआ आया हुआ है, और देख लीजिए ये हम थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रही है अमिताभ बच्चन जी का बंगला, जो पॉलिथीन से ढका हुआ है। अब हम करीब में आ गए हैं और आपको अभी वहाँ पर चल के दिखा रहे हैं कि उनका बंगला कैसा है और कितना खूबसूरत है। वहाँ पर ज़रूर वहाँ पर कोई ना कोई ज़रूर होगा, और वहाँ पर सेल्फी लेते हैं और खिंचाते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं, क्योंकि वो हमारे इस सदी के इनका बंगला है। ये देख लीजिए, देखिए यहाँ आ गया है हम लोग, वो देख लीजिए ये जो जूम करके दिखा रहा हूँ यही है इनका बंगला। देखिए पॉलिथीन से पूरा ढका हुआ है, देख लीजिए। हाँ ये देखिए राइट साइड में ही उनका घर है, देखिए यहाँ पर अमिताभ बच्चन जी अपने पूरे परिवार के साथ इस बंगले में रहते हैं। इस बंगले का नाम जलसा है, जहाँ पर ये अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय, जया बच्चन और बिग बी अपने स्वयं पूरे परिवार इसमें रहते हैं। देख लीजिए वहाँ पर लोग फ़ोटो क्लिक करा रहे हैं, जो देख लीजिए वहाँ पर जो जलसा लिखा हुआ है वहीं पर सब लोग फ़ोटो खिंचा रहे हैं, और ये गार्ड हैं, देख लीजिए दो तीन कार लगे हुए हैं, और बहुत बड़ा बंगला है ये। ये संडे के दिन अमिताभ बच्चन जी ये बाहर आते हैं, और यहाँ बहुत भीड़ लग जाती है, बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाती है, यहाँ पर रोड जाम हो जाता है, पुलिस आना पड़ता है, जिसके कारण यहाँ पर इतनी जाम हो जाती है कि पुलिस बुलाना पड़ता है। और यहीं से ही थोड़े दूर पे आगे जाएंगे तो जो चौपाटी है, आगे देख लीजिए ये सर्कल है, इस सर्कल के बाद जस्ट बाद जाएंगे तो वहीं से सीधा रास्ता गया है जुहू चौपाटी। आप यहाँ से सीधे जाएंगे चौपाटी पे चले जाएंगे, बस ज़्यादा दूर नहीं है। अभी मैं आगे चल के दिखा रहा हूँ कि चौपाटी का रास्ता कहाँ है, आपको तनिक भी भटकना नहीं पड़ेगा। आप इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ आप लास्ट तक बने रहिए, बस आप लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको भटकना नहीं पड़ेगा चौपाटी पे जाने के लिए। ये नए लोग आराम से जा सकते हैं हमारे वीडियो के माध्यम से, जो देखे नहीं हैं चौपाटी और अमिताभ बच्चन जी का बंगला, तो आप आराम से चले जाएंगे। देखिए ये उनका बंगला है, पूरा पॉलिथीन से ढका हुआ है, और ये है सर्कल, देख लीजिए बस मुड़ रहा है, उसी सर्कल के उस पार से सीधे रास्ता गया हुआ है, देख लीजिए जूम करके दिखा रहा हूँ, वही रास्ता है जो वहाँ पर ब्रेकेटिंग लगा हुआ है पुलिस वाला, वही रास्ता है सीधे गया है और चौपाटी पे, और यहाँ से मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पर ही चौपाटी है समुद्र। देखिए यहाँ से अभी से ही ठंडी ठंडी हवा का आनंद आने लगा है यहाँ पर। अब देख लीजिए हम लोग पार हो रहे हैं, देखिए अब हम लोग यहाँ पर आ गए हैं चौपाटी वाले रास्ते, यही दिखा रहे थे बैरिकेटिंग, एक जगह बैरिकेटिंग के बाद देखिए ये देखिए यहाँ से दिखाई दे रहा है चौपाटी का, देख लीजिए नज़ारा थोड़ा थोड़ा, यहाँ से तो बहुत ही ठंडी ठंडी हवा आ रही है, कूल हो जा रहा है, देख लीजिए हमारा अब इसी के रास्ते आइए और आप पहुँच गए चौपाटी पर। अभी मैं चौपाटी पर भी पहुँच के दिखा रहा हूँ वहाँ पर कुछ व्यू, ताकि आपको विश्वास हो जाए कि चौपाटी पर पहुँच गए हैं कि नहीं। और ये देखिए समुद्र का हमारा हिंद महासागर जो है, अरब सागर इतना बड़ा है, देख लीजिए जहाँ पर बहुत ही भयानक नज़ारा, इसमें ज्वार आया हुआ है, देखिए ऊपर तक पानी है, नहीं तो ये समुद्र का पानी नीचे तक रहता है, इस समय प्रेजेंट टाइम में पानी ज़्यादा ऊपर है। हम पिछली बार आए थे तो ये पानी बहुत नीचे था, समुद्र का ज्वार ज़्यादा उठ रहा है, इसके लिए यहाँ पर कोई स्नान नहीं कर रहा है चले। और सुबह का, अभी तो सुबह सुबह का टाइम है, जिसकी वजह से यहाँ पर भीड़ नहीं है, अभी धीरे धीरे शाम को इतनी भीड़ लग जाती है कि यहाँ पर जगह नहीं मिलता है हर
हजारों लोग सिर्फ आते जाते रहते हैं और पूरा चौपाटी पे लाखों लोग को भीड़ लग जाती है। यहाँ पर रास्ता जाम हो जाता है। देखिए सोना सुनसान दिखाई दे रहा है क्योंकि अभी सुबह का टाइम है, मात्र अभी 10:15 बज रहे हैं, इसकी वजह से यहाँ पर सभी सोना सुना दिखाई दे रहा है। देख लीजिए ये ज्वार यहाँ तक, और ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। देखिए ये कबूतर है जो दाना चल रहे हैं, कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है यहाँ का व्यू। और देख लीजिए कैसा कैसा पानी रखा हुआ है उनके पीने के लिए, क्योंकि ये खारा पानी समुद्र का रहता है तो खारा पानी पियेंगे नहीं, इसलिए उन लोगों को पीने के लिए ये पानी रख दिया गया है और दाना डाल दिया गया है जो दाना खा रहा है उसके बाद